कार्तिकेय टू ने तीन बॉलीवुड फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर छकाया है। इन तीनों बॉलीवुड फिल्मों की अभी तक जितनी कमाई हुई है उन सभी को भी अगर मिला दे तो उससे ज्यादा कार्तिकेय टू ने सिर्फ तीन दिनों में कमा लिया है। तेलुगु स्टार निखिल सिद्धार्थ की फिल्म कार्तिकेय टू का जादू हिंदी दर्शकों के सर चढ़कर बोल रहा है। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कहानी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। कार्तिकेय टू ने शुक्रवार को तो कमाल कर डाला। डायरेक्टर चंदू मोंदेती की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की दोनों बड़ी फिल्मों के कुल कलेक्शन से भी ज्यादा कमाया है। भगवान कृष्ण से जुड़े एक मिथिक की कहानी पर बनी इस फिल्म ने शुक्रवार को 2.46 करोड़ रुपए कमाया है। और अब अगर देखा जाए तो देखिए, लाल सिंह चड्ढा ने बॉक्स ऑफिस पर शुक्रवार को 1.25 करोड़ कमाए तो वही रक्षाबंधन ने 1 करोड़ कमाए। यानी कई हफ्तों के जोरदार माहौल और दो बड़े स्टार्स के बावजूद दोनों बड़ी फिल्म का टोटल कलेक्शन 2.25 करोड़ रुपए, जो कि कार्तिकेय टू के कलेक्शन से 20 लाख रुपए कम है। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार। भारत सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का सहनसा, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।